आप जैन मुनि कहलाते हैं, सारी दुनिया आपको जैन मुनि कहलाती है, और आपकी जो चर्या है, आप 5 स्टार होटल में भी रुकते हैं, गाड़ियों में भी रुकते हैं, क्या दुनिया के सामने ये संदेश नहीं जा रहा है कि जैन मुनि ऐसे ही चर्या वाले होते हैं? देखिए, मैं आपने कहा कि आप गाड़ी में बैठते, मैं गाड़ी में बैठता हूं लेकिन गाड़ी मेरी खोपड़ी में नहीं बैठती है। मैं हवाई जहाज में बैठता हूं लेकिन हवाई जहाज मेरी खोपड़ी पे सवार नहीं होती है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, काउंटर क्वेश्चन करता हूं, जैन साधु साध्वी, हम तो अग्नि को सजीव मानते हैं, अग्नि को हिंसा मानते हैं, मैं आपसे पूछता हूं वो अग्नि से पकी हुई रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मुझे बताइए, आप वनस्पति को, सब्जी को सजीव मानते हो? वो जो है वनस्पति को कटी हुई को सब्जी बनती है, उसको खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप निरुत्तर हो गए। यहां पर आप कहेंगे कि उनके लिए नहीं बनता है, जो हमारे लिए बनता है उसमें से वो कुछ ग्रहण करते हैं। मैं भी आपसे कहूं, मैं यहां से अमेरिका जाता हूं, वो विमान मेरे लिए नहीं जाता है, लोकेश मुनि नहीं जाएगा तब भी विमान जाएगा। मैं यहां से जहां पर भी प्रस्थान करता हूं, जैसे अग्नि से पकी हुई रोटी खाते हैं और अपने आप को अहिंसक कहते हैं, मैं ठीक उसी तरह से, वो मेरे लिए नहीं जा रही है, ना गाड़ी मेरे लिए जा रही है, ना ट्रेन मेरे लिए जा रहा है, ना वायुयान मेरे लिए जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा, बल्कि मैं ललित जी आपको कहना चाहता हूं, आप युवाओं के इंटरव्यू लीजिए, आज के जमाने के 90% युवा ये मानते हैं कि आप वाला वो रास्ता है जिसमें ऊर्जा कम खर्च है, काम अधिक है। जब तक समाज के अंदर पुनर्चिंतन नहीं होगा, युग के साथ नहीं चलेगा समाज। आप मुझे बताइए, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन थे, आज बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया, जबकि जैन धर्म साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, उसके बावजूद सीमित रह गया। इसी पीड़ा ने मुझे वान विहार की ओर आगे बढ़ाया, और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि आचार्य सुशील मुनि ने 50 वर्ष पूर्व ये चिंतन किया था, और उसके बाद में गुरुदेव चित्रभानु जी, बंधु त्रिपुटी, आचार्य चंदना जी आदि अनेक। और मैं अब फिर से निवेदन करना चाहता हूं, पद यात्रा को आज भी मैं श्रेष्ठ मानता हूं, लेकिन वो पद यात्रा जो गांवों में जाए, गांवों में ठहरे, झोंपड़ी से लुकी सोकी राबड़ी रोटी लाए, खाए और लोगों के जीवन का कल्याण करे, वो पद यात्रा नहीं है। आप पैदल चल रहे हो, आपके ठीक पीछे 4 गाड़ियां चल रही है, 10 कर्मचारी चल रहे हैं।